और लोकसभा चुनाव की दिशा और दशा तय करने वाले मुद्दे तय हो चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश में 80 सीटों के साथ 2024 की तकदीर लिखने वाले हैं। भले ही चुनाव में अभी करीब 5-6 महीने का वक्त बचा हो, लेकिन हम आज ही वो मुद्दे बता देते हैं जो 2024 के इम्तिहान में आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव की दशा और दिशा तय करने वाले मुद्दे रिलीज हो चुके हैं, जो मुद्दे अब सुर्खियों में हैं, जिसकी पटकथा लिख दी गई है, जिसका एजेंडा तय हो गया है, क्योंकि 24 के चुनाव में इन मुद्दों को भुनाने की तैयारी हो चुकी है। सजा दो घर को गुलशन सा। राम मंदिर, जिसे 2019 के लोकसभा चुनाव में उठाया गया था, वो 2024 में अब बनकर तैयार हो रहा है। यानी मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे वाले प्रपंच से विपक्ष जहां बीजेपी को घेर रही थी, उसकी तारीख भी आ गई है और बीजेपी ने बता दिया मंदिर वही बना। 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी इन दिनों हर स्तर पर प्रयास कर रही है। एक ओर जहां बीजेपी यूपी के सियासी और जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए विपक्ष के हर एक बड़े नेता को बीजेपी से जोड़ने की कवायद में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर ये साफ कर दिया है कि 2024 का चुनाव सिर्फ राम मंदिर मुद्दे पर नहीं बल्कि ज्ञानव्यापी भी एक बड़ा मुद्दा होगा। ज्ञानवापी की लड़ाई भी अयोध्या की तरह ही है, क्योंकि यहाँ भी मंदिर मस्जिद पर जंग छिड़ी है और माना जा रहा है एएसआई सर्वे के बाद ज्ञानवापी की सच्चाई देश की जनता के सामने आ सकेगा। इसके लिए भले ही मामला कोर्ट में हो, लेकिन दावे और वादे किए जाने लगे हैं। यहाँ तक कि सीएम योगी ने साफ कर दिया है, ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इन विषयों को उठाकर इन सवालों से बचना चाहती है कि महंगाई की दर क्या हो गई, गरीब की रोटी उपलब्ध नहीं है, बेरोजगार नौजवान सड़कों पर घूम रहा है, किसानों के साथ को पीटा गया, उनकी किसानी की दुर्गति की गई। कि यूसीसी हमारे संविधान का एक बहुत मूल अंग है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में समान अधिकार की व्यवस्था दिया है कि सबको बराबरी का अधिकार मिले, सबको बराबर न्याय मिले। अगर न्याय बराबर सम्मान बराबर अधिकार की बात संविधान में है, तो फिर एक कानून क्यों नहीं होता है? इस देश में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा देश में क्यों नहीं लागू होता है? उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। 2024 के रण में बीजेपी यूसीसी को भी भुनाने के इरादे में है और इसके लिए अब पसमांदा समाज को साथ लाकर एक देश एक कानून पर सहमति बनाई जा रही है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विपक्ष की अलग अलग राय है, लेकिन मुस्लिमों को साधने के लिए ओवैसी और बर्क जैसे नेता इसका विरोध करते रहे हैं। योगी का बुलडोजर मॉडल काफी हिट रहा है, यहाँ तक कि सीएम योगी दूसरे प्रदेश में भी यूपी के बुलडोजर मॉडल की छाप छोड़ चुके हैं और अपराधियों माफियाओं को सबक सिखाने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन से उनकी गर्मी भी शांत हो चुकी है। वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? बीजेपी सरकार में आतंकवाद पर पाकिस्तान को आईना दिखाया गया, यहां तक कि राजनाथ सिंह से लेकर सीएम योगी तक पीओके हमारा है का नारा दे चुके हैं, जो अब 2024 के चुनाव में भी अहम मुद्दा रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाले योगी आदित्यनाथ साफ संदेश दे चुके हैं, अगर किसी भी रूप से हिंदुओं को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन करवाया गया तो कठोर कार्रवाई होगी और इसके लिए उत्तर प्रदेश में कानून भी है। 2024 के रण में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश से पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को साधने का नारा दिया था, लेकिन इसे भी बीजेपी भुना गई और सवाल खड़े कर दिए थे, आखिर अखिलेश को सवर्णों से क्या परेशानी है।
और 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे ज्वलंत मुद्दा विपक्षी गठबंधन का नया नाम है, जिस पर खुद पीएम मोदी हमलावर हो चुके हैं। यानी विपक्षी दल भले ही नाम बदलकर 24 के चुनाव में दम दिखा रही हो, लेकिन बीजेपी के पास इसका भी तोड़ है। यानी हर मर्ज की दवा बीजेपी के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और संसद के मॉनसून सत्र पिछले 9 दिनों से हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा कई बार स्थगित होती रही है। मणिपुर में हुई हिंसा पर सरकार सदन में चर्चा के लिए विपक्ष को बुलाती रही, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को सदन में बुलाने पर अड़ा रहा। विपक्ष की जिद है कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पर सदन में जवाब दे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी पहले साफ कर चुके हैं कि मणिपुर में बर्बरता करने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बावजूद इसके विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लिया। अब विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर 8 से 10 अगस्त तक बहस होगी। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर जवाब दे सकते हैं। किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने लोकसभा और राज्यसभा पिछले 9 दिनों से लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रही है। आज भी विपक्ष ने मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर सदन से वॉकआउट कर दिया, जबकि सरकार बार बार कह रही है कि सदन में वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष पीएम मोदी के सदन में बयान पर अड़ा है। 8, 9 और 10 अगस्त को नो कॉन्फिडेंस मोशन पर लोकसभा में चर्चा होगी। संख्या बल की माने तो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का हस साफ है कि विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन किन मुद्दों पर विपक्ष को घेरते हैं। फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में बहस की तारीख तय हो गई है। 8 अगस्त से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 10 अगस्त तक बहस का समय रखा गया है। पीएम मोदी 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। वहीं विपक्ष का कहना है कि मणिपुर के मुद्दे पर पीएम के बयान की प्रतीक्षा थी, लेकिन वो सदन में नहीं बोले, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लेना पड़ा। क्योंकि नियमों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी है कि वो सदन के अंदर आकर अपनी बात रखें। देखिए, हम लगातार प्रयास करते रहे, परंतु कुछ बात बनी नहीं। बोलने को नहीं तैयार, प्रधानमंत्री को आए हमारा वो भी नहीं स्वीकार हो रहा है, हमारी चर्चा तक नहीं स्वीकार हो रही है, तो हमारे साथ में विकल्प क्या है वॉकआउट के अलावा? पहले दिन से ही मांग करता रहा है कि मणिपुर के इशू पर प्रधानमंत्री आके सदन में बयान दें, उसके बाद डिस्कशन हो और डिस्कशन के बाद चर्चा का जवाब भी प्रधानमंत्री ही दें। आखिर क्यों हम लोग ये मांग कर रहे हैं? क्योंकि मणिपुर का मुद्दा केवल मणिपुर से जुड़ा नहीं, ये भारत की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। विपक्षी गठबंधन की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 8 से 10 अगस्त तक सदन में चर्चा चलेगी। इसके बाद 10 अगस्त को पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से सदन के नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार किया है। अब सवाल है कि जब दोनों सदनों में विपक्ष के पास संख्या बल कम है, तो अविश्वास प्रस्ताव से हासिल क्या होगा? जब मणिपुर शांति बहाली की ओर है, तो सदन का समय हंगामे की भेंट क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।